सनकुवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत वित प्रभ आख्या ही मे कथा सारं पुराणां विशेषतः। श्री सनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्वविवेकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कला विह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसं श्रेयः उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। ये तत्साधने नाशो शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर भवे तत्व सदा निर्मल चेतसा। तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसह अतो विचार्य सुधिया वच्मी शास्त्रं महोत्तमम्। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सोनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनम शिव तोष करं दिव्यं श्रेणु वत्स रसायनम। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम सैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सनत कुमारस्य मुने रूप देशात परादरात व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात कलिजानां हिताय च। यह उत्तम शिवपुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव, व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्माद् परं किंचित् पुराणाच्छैवतो मुने नौ विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर् भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतच्छिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितोज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनाच्छवनादस्य भक्तिमानर सत्तमः सद्यः शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कांक्षितं पठनं निर्भी तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदम्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणाक्षम्भोर्निष्पापो जायते नरः
भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम वाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्नि अष्टोमशतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्नि अष्टम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये श्रृण्वन्ति मुने सैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या नो मन्तव्या रुद्रा एव नो संशयः। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं। श्रृण्वतांग तत पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजर जांगस्येव तीर्थानि मुनयो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये अभिवांछन्ति देहिनः सैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुं यद्य शक्तो भवेत् स मुनि सत्तमं नियतात्मा प्रतिदिनं श्रृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने श्रृणुयाच्छिव पुराणकम्। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तं तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। तत् पुराणं च श्रृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवेन। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने संभोह पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलो सैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो नो पुंसांग ही मुक्ति साधन कृन मुने। हे मुने, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणं संभोर नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं सम्यं मनुष्याणां नो संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। कलो दुर्मेधसं पुंसं धर्माचारो जितात्मनां हिताय विदभे शंभो पुराणाख्यं सुधारशम। कलियुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की। एको अजरामर स्याद्वे पिबन्ने वा मृतं कुमान संभोह कथा मृतं कुर्यात कुलमेवा अजरामरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छैव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतच्छैव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चितं समाश्रयेत्। शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ? इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। च
चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो अयं सप्त संहितः भक्तित्रिक सुसंपूर्णः श्रृणुयात्तं परादरात्। यह शिवपुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। विद्येश्वर संहिताद्य द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका पंचम्यो मान संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तवं संहिता। यह पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता, इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। ससप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ती ब्रह्म तुल्यं सर्वोपरि गति प्रदम्। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतच्छिव पुराणं हि सप्त संहिते मादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। उमान ज्ञानत अस्तावद भ्रमते अस्मिन भवे मुने यावत कर्ण गतं नास्ति पुराणं सैव उत्तमम्। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञान बस प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। किं श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे सैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। एतच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तदा गेहं वस्तां पापनाशनम्। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलांग शिव पुराणस्य नारहन्ति खलु घोड़सिंह। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। तावत सौ प्रोच्यते पापी पाप कृन्मुनि सत्तम यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगाद्या पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्जो गया तथा एतच्छिव पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित। गंगा आदि पवित्र नदियां, सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदिच्छेत परमां गतिं। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। एतच्छिव पुराणं यो वाचयेदर्थ तो अनिशम पठेद्वा प्रीति तो नित्यं सौ पुण्यात्मा न संशयः। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। अंतकाले ही यश्चैनं श्रृणुयाद् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशान अस्तस्मै यच्छति स्वयं पदम्। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान कर। एतच्छिव पुराणं यः पूजये नित्य मादरात् सौ भुक्त्वे हाखिलान कामानन्ते शिव पदं लभेत। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। एतच्छिव पुराणस्य कुर्वन् नित्य मतन्द्रितः पट वस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं सौ सुखी सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो
रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। सैवं पुराणममलं सैव सर्व स्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। यह शिव पुराण निर्मल तथा सैवों का सर्वस्व है, इह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रतं सैवं पुराणममलं परम श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेदेतिहास शास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् सैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मोक्षवे। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। सैवं पुराणमिदमात्मविदं वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सतः समर्च्यं तापत्र्याभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीश मुखामराणाम। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिव प्रसन्नतां यायाद तद्यात् स्वपदयोरतिम। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ, भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे।